हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाएं लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। दुनिया में सबसे खास रिश्ता माना जाता है पति पत्नी के रिश्ते को। शादी एक ऐसा खूबसूरत एहसास है जिसके सुखद अनुभवों से हम सबको ही गुजरना पड़ता है। शादियों को लेकर भारत बहुत सारी मान्यताएं हैं। भारत में शादी के समय जितने भी रीति रिवाज को निभाना पड़ता है शायद ही पूरी दुनिया में कहीं और शादी के समय में इतने रीति रिवाज करने पड़ते होंगे। अब भारत भी धीरे धीरे आधुनिकता की ओर बढ़ रहा है। पुराने समय में शादियां भारत में अरेंज मैरिज ही होती थी, लेकिन आज का जो दौर आया है उसमें युवा पढ़ लिख गए हैं जिसकी वजह से वह अपने पार्टनर खुद ही चुनना पसंद करते हैं। ऐसा नहीं है कि भारत में आज के समय में अरेंज मैरिज नहीं हो रही है, आज भी लोग अरेंज मैरिज करते हैं। भारत में अक्सर यह देखा गया है कि जिस भी लड़की की अरेंज मैरिज होती है उसके माता पिता उसके लिए उसकी उम्र से बड़े ही लड़के का चयन करते हैं। आज हम आपको इसी बात के पीछे की असली वजह से रूबरू कराने जा रहे हैं। आखिर लोग अपनी बेटी के लिए उससे बड़ी उम्र के ही लड़के का चयन करते हैं। चलिए जानते हैं इसके पीछे का असली सच। ऐसा माना जाता है कि जिन भी शादियों में लड़का और लड़की के बीच उम्र का ज्यादा अंतर होता है तो वह शादियां ज्यादा चलती हैं और वह दोनों ही अपने शादीशुदा जीवन में खुश रहते हैं और उनका पूरा जीवन खुशहाली से ही भरा होता है। इस बात के पीछे की असली वजह यह है कि जब पति पत्नी की उम्र में ज्यादा अंतर नहीं होता है तो उन दोनों के बीच में हर बात पर उनका अहम बीच में आता है, जिसकी वजह से उनके बीच में कई बार छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाइयां हो जाती हैं। दोनों ही एक दूसरे के सामने पहले झुकाना बिल्कुल नहीं चाहते हैं और जिसकी वजह से टकराव बढ़ती जाती है। दरअसल यह बात समझदारी पर भी निर्भर करती है। अगर दोनों ही पति पत्नी समझदार हैं और इस तरह के टकरावों वाली बातों को वह आसानी से टाल देते हैं। इसके पीछे यह भी कारण माना गया है कि जब उम्र में ज्यादा अंतर होता है तो दोनों के बीच में एक दूसरे के प्रति सम्मान होता है, जो कि इस रिश्ते के लिए सबसे जरूरी बात है। ऐसा देखा गया है कि पति किसी भी रिश्ते को चलाने के लिए बहुत धैर्य से काम लेता है और जब भी कभी उनके रिश्ते में ऐसी कोई समस्या आती है तो पति पत्नी को साथ में बिठाकर रिश्ते को सामान्य करने की कोशिश करता है। यह बात तो विज्ञान ने भी मानी है कि पति को हमेशा पत्नी से उम्र में बने होने से रिश्ते में समझदारी बनी रहती है। ऐसा कहा जाता है कि लड़कियां बहुत ही छोटी सी उम्र में ही परिपक्व हो जाती हैं, जबकि लड़कों के साथ ऐसा कुछ नहीं होता है। लड़कों को भावनात्मक रूप से परिपक्व होने में थोड़ा ज्यादा समय लगता है। विशेषज्ञ यह मानते हैं कि लड़की और लड़के की शादी की उम्र में अंतर होना चाहिए। शादी के वक्त लड़की की उम्र लड़के से 5 साल तक छोटी हो सकती है, उन दोनों में 5 साल का अंतर कम से कम होना चाहिए।